पिता और पुत्र ने दसवीं की परीक्षा एक साथ दी है, कहाँ के हैं ये पिता और पुत्र? इस परीक्षा में पिता कामयाब हुए, पास हुए, पुत्र फेल हो गया। दो पेपर उसके फेल हो गए थे, इसके चलते वो कामयाब नहीं हुआ। 18 नई इलेक्ट्रिक टैक्सियां आने वाली हैं हिमाचल में, जो जल्द ही हिमाचल की खासकर शिमला की सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना लागू ही रहेगी। जिनके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी हैं, उनको आर्मी में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से ही उनको मौका दिया जाएगा। अगर पुलिस के रजिस्टर में उनकी FIR में उसका नाम नहीं है, उन्हें एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी जंतर मंतर के ऊपर सत्याग्रह शुरू कर दिया। जंतर मंतर के ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और अग्निपथ योजना के खिलाफ। राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि अगर अग्निपथ योजना वापस ना ली, सरकार ने इसके ऊपर फिर से विचार ना किया, तो हम 4 लाख ट्रैक्टर लेकर सीधे दिल्ली पहुंचे। अफगानी हिंदुओं और सिखों के लिए भारत सरकार ने किया बड़ा फैसला, क्या है ये फैसला? उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भारत में मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो टिप्पणियां की गई हैं, विवादित टिप्पणियां की गई हैं, उसका हमने बदला लिया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम है खुलासा न्यूज का। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आ गया है, क्या आया है ये फैसला? वंदना जी, अग्निपथ योजना जिसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, हर जगह पर युवा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी के चलते केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना लागू ही रहेगी और जितने भी सशस्त्र बल हैं उनमें इसी योजना के तहत ही भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं ने आज भारत बंद की कॉल भी दी थी, जिसका कहीं भी असर देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस प्रकार से कॉल दी गई थी उसी प्रकार से ही पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। धारा 144 लगा दी गई थी, इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी, तो पुलिस प्रशासन ने भी अपना कार्य शुरू कर दिया था। रेलें बंद कर दी गई थी, बसें भी काफ़ी जो ज़रूरी अनिवार्य रूट नहीं थे उनके ऊपर बंद की गई हैं। तो इसी के चलते कल तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की थी, इसके ऊपर चर्चा हुई। चर्चा के बाद तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि ये योजना लागू रहेगी और अब आर्मी में, भारतीय सेना में भर्ती इसी योजना के तहत की जाएगी और साथ ही इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। आज थल सेना अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगी, 24 को हवाई सेना कर देगी और उसके बाद 25 को जल सेना अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगी और भर्ती जो प्रक्रिया शुरू होगी वो भी जल्द ही होगी, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में एक जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही जो युवा हड़कंप मचा रहे हैं उनके बारे में भी बड़ी खबर है कि उनके ऊपर भी अब कार्रवाई होगी। कारण यह है कि जिस प्रकार से जिनके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी हैं, उनको आर्मी में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से ही उनको मौका दिया जाएगा। अगर पुलिस के रजिस्टर में उनकी FIR में उसका नाम नहीं है, उन्हें एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हमारा इससे कोई लेन देन नहीं था, तो इसी के चलते वो भर्ती हो सकते हैं, नहीं तो भर्ती होना मुश्किल होगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी जंतर मंत्र के ऊपर सत्याग्रह शुरू कर दिया। जंतर मंत्र के ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और अग्निपथ योजना के खिलाफ। वहीं पर जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत ने भी कह दिया है कि अगर अग्निपथ योजना वापस ना ली, सरकार ने इसके ऊपर फिर से विचार ना किया, तो हम 4 लाख ट्रैक्टर लेकर सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पहले भी किसान आंदोलन काफ़ी जो था भग चुका था, पूरी तरह से गर्मा चुका था, लेकिन अब फिर से किसानों ने चेतावनी दे दी है सरकार को। अब बात करते हैं हरियाणा के नगर निगम चुनावों की, वहाँ पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है? वंदना जी, नगर निकाय के चुनाव थे जिसमें नगर कौंसिल, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव थे, जिसके चलते 70% से अधिक मतदान हुआ है।
इसके चलते कुछ स्थानों पर छोटी मोटी जो नोकझोंक हुई, थोड़ी बहुत झड़प हुई, लेकिन फिर भी पूरी तरह से शांति रही। और इसका असर देखना जाए था कि अग्निपथ योजना का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग वोट डालने के लिए अपने घर से बाहर निकले। और वहीं पर एक और बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना समर्थन एक आज़ाद उम्मीदवार को दे दिया और ऐलान किया कि मैं इसके साथ हूं। यानी कि आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसे टिकट दी थी, लेकिन उसने अपना सारा कुछ ही, अपनी वोटिंग सारा आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में करवा दिया। तो इसी के चलते उस जो भरत सिंह है, भरत सिंह शोकर नाम है उसका, तो उसको आम आदमी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि हमने आपके ऊपर विश्वास किया था, आपने हमसे सलाह किए बगैर ही संजय सिंह बेनीवाल को अपनी हमायत दी है। हिमाचल में बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्या वजह है चेहरे खिल उठने की? वंदना जी, जिस प्रकार से पूरे नॉर्थ में बारिश हो रही है, इसके अलावा जो पूर्वी राज्य हैं उनमें बाढ़ आ चुकी है, काफ़ी नुकसान हुआ है, लोगों के घर टूट चुके हैं, पंजाब में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी भी जो है कहा जा रहा है कि 24 तारीख तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, कि दो तीन दिन तक ऐसे ही बादल छाए रहेंगे, कई स्थानों पर आंधी तूफान चल सकता है, बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में 24 तक पूरी तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, बागवान हैं, वो सेब की खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, तो सेब की खेती करने वाले जो किसान हैं, बागवान हैं, उनके चेहरे खिल उठे हैं। कारण यह है कि बारिश नहीं हुई थी, फरवरी में बारिश हुई थी, फरवरी की बारिश के बाद मई में जाकर बारिश हुई थी, उसके बाद अब काफ़ी लंबे समय के बाद ये बारिश हुई है। और इसका जो बारिश का असर है वो सेब की खेती को काफ़ी प्रभावित करता है। जिस प्रकार से अब सेब की फसल है तो इसने अभी आकार लेना है, अभी इसने रंग लेना है, तो इसी के चलते जो बारिश है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। आकार भी बढ़ेगा इससे सेब का, और जो रंग है वो पूरी तरह से नेचुरली आएगा। और जो पिछले साल का आंकड़ा है उसके मुताबिक 3.43 तक करोड़ तक पेटी थी सेब की, जो जिसका उत्पादन किया गया था। और इस बार बागवानी विभाग ने जो आंकड़े निकाले हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है, वो ये है कि 3.46 करोड़ पेटी उत्पादन होने की संभावना है। अफगानी हिंदुओं और सिखों के लिए भारत सरकार ने किया बड़ा फैसला, क्या है ये फैसला? वंदना जी, बीते दिनों ही काबुल के गुरुद्वारा साहिब के ऊपर अटैक हुआ था, हमला हुआ था, और अब इस हमले की जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट ने ली है, जो आतंकी संगठन है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भारत में मोहम्मद पैगंबर साहिब के बारे में जो टिप्पणियां की गई हैं, विवादित टिप्पणियां की गई हैं, उसका हमने बदला लिया है। तो इसी के चलते हमला किया गया, ग्रेनेड से हमला किया गया, फायरिंग की गई, जिसमें 7 लोग घायल हुए थे और 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जिसमें से एक अफगान सिख भी था। और साथ ही काफ़ी लोग घायल होने के साथ साथ 3 जो आतंकवादी थे उनको भी तालिबान सेना ने ढेर कर दिया था। और भारत सरकार के जितने भी नेता थे, उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं व सिखों को वहाँ से निकाला जाए। तो अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 100 के करीब अफगानी सिखों व हिंदुओं को ई वीज़ा दिया गया है कि वो यहाँ पर आएँ और अपना कारोबार शुरू करें। यहाँ की नागरिकता देने की भी बात हुई है, लेकिन उनके लिए बड़ी खबर है कि उनको यहाँ पर बुला लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि लुधियाना में या कहीं भी, कई स्थानों पर पंजाब में अभी भी अफगान सिख पहले से रहते हैं, लेकिन जिन्हें अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार अगर किसी को बुलाती है, अपने आश्रय में लेती है, तो उसको वहां का नागरिक भी बनाना चाहिए, उसे सहूलतें भी देनी चाहिए। धर्मेंद्र जी कहते हैं पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया है। पिता और पुत्र ने 10वीं की परीक्षा एक साथ दी है, कहाँ के हैं ये पिता और पुत्र? जी वंदना जी, पिता पुत्र ने परीक्षा दी थी महाराष्ट्र बोर्ड से, पुणे के रहने वाले हैं। नाम है, पिता का नाम है भास्कर वाघमारे, लेकिन इस परीक्षा में पिता कामयाब हुए, पास हुए, पुत्र फेल हो गया, 2 पेपर उसके फेल हो गए थे, इसके चलते वो कामयाब नहीं हो सका। और आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय यानी कि 30 साल बाद पिता ने भी परीक्षा दी थी। उन्होंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन जो आर्थिक कारण या गरीबी के कारण वो आगे पढ़ नहीं पाए थे, तो उनके मन में था कि मैं पढ़ूं, तो उन्होंने भी परीक्षा दी, दोनों पिता पुत्र ने परीक्षा दी, लेकिन पिता कामयाब हुए हैं और पुत्र फेल हुआ है। शिमला के अंदर इलेक्ट्रिक टैक्सियों की बढ़ोतरी करी जा रही है, क्या है वजह और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की?
वंदना जी, हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर बस सेवा नहीं है। बस सेवा मुहैया करवाई जा सकती है लेकिन बसें वहां तक पहुंचती नहीं हैं। तो इसी के चलते HRTC यानी कि हिमाचल प्रदेश जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उन्होंने अहम फैसला लिया था आज से 5 साल पहले। उन्होंने जो थी 28 इलेक्ट्रिक टैक्सियां खरीदी थी और जो विभिन्न विभागों तक जहाँ हिस्सों तक लोगों को लेकर जाती हैं जहाँ पर बस नहीं पहुँचती, और इसी के चलते अब इसमें बढ़ोतरी की जा रही है और 18 नई इलेक्ट्रिक टैक्सियां आने वाली हैं हिमाचल में, जो जल्द ही हिमाचल की खासकर शिमला की सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। और 5 साल पहले इलेक्ट्रिक टैक्सियां खरीदने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना था। और इसमें आपको बता दें कि जो टैक्सी की कीमत है वो 10 लाख रुपये है और इसमें जो 90% भुगतान है, कॉस्ट है, वो केंद्र सरकार देगी और 10% राज्य सरकार देगी। तो इसी के चलते अगर एवरेज की बात की जाए तो एक बार चार्ज करने से इलेक्ट्रिक टैक्सी 100 किलोमीटर तक जाती है, जिसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। और कॉस्ट की बात करें तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से अगर पेट्रोल या डीजल की गाड़ी जाती है तो 20-25 रुपये लीटर के हिसाब से चलती है कि 20-25 रुपये कॉस्ट आती है पर किलोमीटर। तो इसी के चलते इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 रुपये है, 2 रुपये में 1 किलोमीटर तक चलती है इलेक्ट्रिक टैक्सी। तो राहत भरी खबर है लोगों के लिए जो लोग दूर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, इलेक्ट्रिक जो है उससे प्रदूषण कम होता है। धर्मेंद्र जी, विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में। तब तक के लिए नमस्कार।